देखिए अपना लेसन 24 चल रहा था स्टूडेंट्स। लेसन का नाम था अपने मानव ब्लड सर्कुलेशन या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इस लेसन में अपन ने थोड़ा परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, जो अपना फर्स्ट पार्ट था उसमें परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया था। सेकेंड पार्ट में अपन ने रुधिर या रक्त के बारे में पढ़ा था, और थोड़ी बहुत रुधिर के जो दो पार्ट थे यानी कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स, इनमें से ब्लड प्लाज्मा के बारे में अपनी बातचीत हो गई थी। इसके पश्चात ब्लड कार्पल्स में अपन ने आरबीसी की बात कर ली थी, तो उसी से आगे कंटिन्यू देखिए, चालू करते हैं। तो ब्लड कार्पल्स जो है वह आपको बताए थे, इसके अंदर एक तो आरबीसी, दूसरी WBC और थर्ड आती है अपनी प्लेटलेट्स। इनके बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है। RBC के बारे में पूरी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी और आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आई होगी। दूसरा जो अपना है वह WBC, दूसरा है WBC। WBC की अगर फुल फॉर्म देखें तो वाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, हिंदी में देखें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये WBC की फुल फॉर्म मानी जाती है। इसके अलावा जो WBC होती है उसको एक नाम से और जानते हैं अपन, वह नाम क्या होता है, वह होता है ल्यूकोसाइट्स। WBC को ही क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी अपन जानते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। अब अपन बात करते हैं WBC होती क्या है। तो देखिए मैंने बताया था कि आपको कि जो ब्लड कणिकाएं जो होती है, रुधिर कणिकाएं जो होती है, वह अपन कहते हैं कि ब्लड में थोड़ी सी ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है, क्योंकि जो तरल पार्ट होता है वह तो ब्लड प्लाज्मा होता है जो 55% आपको बताया था, और जो बचा हुआ जो 45% होता है वह क्या होती है, ब्लड कार्पल्स होती है यानी कि रुधिर कणिकाएँ होती है। तो RBC में जहाँ अपन देख रहे थे कि हीमोग्लोबिन वगैरह प्रेजेंट था, जिसके कारण से अपन कह रहे थे कि RBC क्या रेड रंग की होती है, ब्लड को रेड रंग प्रदान करने का कार्य हीमोग्लोबिन वहाँ पर कर रहा था। WBC की विशेषता यह है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वह क्या होता है, अब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वह यहाँ पर क्या है, अब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित। अब हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होगा तो अपने को पता है कि यह रंग न प्रदान करके किस रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जहाँ RBC केंद्रक विहीन थी तो WBC क्या होती है, केंद्रक युक्त मानी जाती है। WBC क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, यह भी अपन कहेंगे कि इसकी एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। RBC की संख्या मैंने आपको बताई थी पुरुषों के अंदर लगभग 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर बताई थी, तो महिलाओं के अंदर लगभग 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर अपन ने RBC की संख्या देखी थी। लेकिन WBC की जो संख्या होती है वह RBC की तुलना में बहुत ही कम होती है। अगर इनका अनुपात देखा जाए संख्याओं का तो वह आता है लगभग 600:1, यानी अपनी बॉडी में अगर 600 RBC है तो उसकी तुलना में मात्र केवल एक क्या होती है, WBC होती है। और इसकी संख्या औसतन अगर अपन देखें मनुष्य में तो वह कितनी होती है, लगभग 7000 प्रति घन मिलीमीटर अपन मानते हैं कि इनकी संख्या मानी गई है। कितनी मानी गई है, 7000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या मानी गई है। अनुपात आपको बता दिया 600:1 अपने को इसका देखने को मिलता है। अब इसमें अपन देखेंगे कि जिस प्रकार से अपन ने देखा था RBC जो होती है वह तस्त्रीनुमा होती है, उभयावतल होती है, लेकिन यह क्या होती है, WBC का आकार जो होता है वह क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, यानी अपन कहेंगे WBC भिन्न भिन्न आकार की होती है, यह अपन देखेंगे। RBC के निर्माण के लिए मैंने आपको बताया था कि RBC भ्रूणावस्था में अगर बात करें तो यकृत का जो स्प्लेन या पलिया भाग होता है वहां पर निर्मित होती है, जबकि वयस्क अवस्था में यह बोन मेरो या अस्थि मज्जा जो होता है उसके अंदर निर्मित मानी जाती है। WBC की अगर अपन बात करते हैं तो WBC का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, वही अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो, अस्थि मज्जा व जो अपने लसिका उत्तक होते हैं उनमें होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट्स,
जो अपने अस्थि मज्जा और लसिका उत्तक जो होते हैं उनमें निर्माण होता है WBC का। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है WBC का जो कार्य होता है, तो WBC का जो कार्य होता है वह प्रतिरक्षा का कार्य होता है। प्रतिरक्षा का मतलब शरीर को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा किन से? अपनी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी एंटीजन वगैरह प्रवेश करता है, कोई भी एलर्जी कारक प्रवेश करता है, तो उनको नष्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वह किसकी होती है? WBC की होती है। यानी कोई भी एंटीजन वगैरह अंदर प्रवेश करता है तो वह क्या करती है, इस पर अटैक करके उसको नष्ट करने का कार्य करती है। इसीलिए कहते हैं प्रतिरक्षा, यानी सुरक्षा के रूप में यह कार्य करती है। इन्हें सैनिक के नाम से भी अपन जानते हैं, शरीर के सैनिक अपन इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि यह शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। इसका अगर जीवन काल देखा जाए, WBC का जो जीवन काल होता है वह बहुत ही कम होता है, या तो कह सकते हैं 4 दिन, या कह सकते हैं 2 से 4 दिन तक अपन कहते हैं WBC का जीवन काल माना गया है। उसके पश्चात यह WBC जो होती है वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये थी WBC की नॉर्मल सी जानकारी। इसके अलावा WBC की जब शरीर में कमी हो जाती है, WBC की शरीर में कमी हो जाती है, तो अपन कहते हैं अपना जो शरीर है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह थोड़ी सी डाउन आ जाती है, और अगर ज़्यादा कमी आती है तो बिल्कुल भी डाउन आ जाती है। यानी प्रतिरक्षा तंत्र अपना क्या हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से नई नई बीमारियाँ जो होती है वह शरीर में लगती रहती हैं। लेकिन WBC की जब अधिकता हो जाती है बॉडी के अंदर, तो भी अपने एक रोग उत्पन्न होता है, इसे ल्यूकेमिया के नाम से अपने जानते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। उसके अंदर अपन मानते हैं कि ब्लड सेल्स वगैरह क्या होती है, लगातार विघटित होती रहती है, और यह क्या होती है कि WBC की संख्या जब अधिक हो जाती है तो यह धीरे धीरे फिर क्या करती है, जो अपनी RBC सेल्स होती है उनका विघटन करना क्या करती है, चालू कर देती है, जिसके कारण से व्यक्ति की अपन मान सकते हैं कि डेथ भी हो जाती है, वह ब्लड कैंसर होता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो WBC है उसकी जो गति होती है वह कैसी होती है, अमीबा के समान। जैसे अमीबीय जो गति होती है ना, उसी के समान अपन मानते हैं कि यह मान जाती है। एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि WBC की गति किस प्रकार की होती है, तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए कि WBC की गति क्या होती है। तो अमीबा जिस प्रकार से गति करता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी गति मानी गई है, अमीबीय गति इसमें मान सकते हैं। अब WBC जो होती है वह मुख्य रूप से अपन देखें तो दो प्रकार या दो टाइप्स अपन कह सकते हैं WBC के माने गए हैं। फर्स्ट जो है वह अपन कहते हैं कणिकामय श्वेत रुधिराणु, कणिकामय श्वेत रुधिराणु, या इन्हें अपन किस नाम से जान सकते हैं, इन्हें कहा जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें क्या आ जाता है, ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो क्योंकि ग्रेन्यूल यानी क्या होते हैं, कण, इसलिए कणिकामय श्वेत रुधिराणु, ये इसका फर्स्ट टाइप माना जाता है। और सेकंड टाइप हो जाएगा अकणिकामय श्वेत रुधिराणु, या अग्रेन्यूलोसाइट्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। ये दो टाइप अपने को देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से WBC के। अब यहां पर बात करेंगे अपन जो अपना फर्स्ट टाइप है, कौन सा अपना, कणिकामय श्वेत रुधिराणु या ग्रेन्यूलोसाइट्स जो है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, कणिकामय, कणिका यानी कि छोटे छोटे कण इसके अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर उपस्थित होंगे, जो इसका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर अपन कहेंगे कणिकाएं उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में कणिकाएं, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो होती है वह क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी कि उपस्थित मानी जाती है। इसका केंद्रक जो होता है ना, उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता है, वह अलग अलग रूप में होता है, इसलिए अपन यहां पर कहेंगे इसका केंद्रक क्या होता है, बहुरूपी होता है। केंद्रक क्या होता है, बहुरूपी केंद्रक माना गया है। बहुरूपी यानी कि बहुत से रूप अब देखने को मिलते हैं, बहुरूपी अपन मान सकते हैं। फिर केंद्रक जो होता है वह बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहते हैं इसे, क्योंकि केंद्रक बहुत रूप से पाया जाता है, इसलिए बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहते हैं इसे। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बहुरूपी
केंद्रक श्वेताणु कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो केंद्रक है उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता, वह बहुत से रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसे बहुरूपी केंद्रक या बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु के नाम से भी जानते हैं। इसका केंद्रक जो होता है वह कई पिंडों से मिलकर बना हुआ होता है। केंद्रक कई पिंडों से मिलकर बना होता, पिंड का मतलब छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना होता है, पिंडों से बनता है। ये अपन कहते हैं इसकी नॉर्मल सी जानकारी होती है। जो कणिका में श्वेत रुधिराणु होते हैं कि इनका जो कोशिका द्रव्य होगा उसमें कणिकाएं उपस्थित होगी। केंद्रक जो होगा वह बहुरूपी बहुरूपी केंद्रक श्वेताणु कहेंगे इसे। केंद्रक कई पिंडों से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। अब जो अपने यह कणिका में जो श्वेत रुधिराणु होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एक इओसिनोफिल्स होते हैं, एक बेसोफिल्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो न्यूट्रोफिल्स, दूसरे आते हैं आपके इओसिनोफिल्स, और थर्ड आते हैं स्टूडेंट्स आपके बेसोफिल्स। कौन से आएंगे? बेसोफिल्स। तो अपन ने देखा था कि जो WBC है उसके दो टाइप, कणिका में और अकणिका में श्वेत रुधिराणु। फिर जो कणिका में श्वेत रुधिराणु उसके तीन प्रकार, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनके बारे में अब अपन यहां पर देखेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होते क्या है? अपने को पता है न्यूट्रोफिल्स क्या है, एक प्रकार की क्या है, WBC होती है। न्यूट्रोफिल्स भी क्या होती है, एक प्रकार की WBC होती है। इसके कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मतम कण उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्मतम कण क्या करते हैं कि जो अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। या तो अम्लीय कह सकते हैं या क्षारीय, दोनों प्रकार के, अम्लीय ले लो चाहे क्षारीय, दोनों प्रकार के अभिरंजक जो होते हैं, अभिरंजक यानी कि जो रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं उनसे अभिरंजित होंगे। और कौन सा रंग प्रदान करते हैं? बैंगनी रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो दोनों से अभिरंजित हो रहे हैं, अम्ल से भी हो रहे हैं और क्षार से भी हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए? उदासीन प्रकृति के हो जाते हैं, इसलिए इसे उदासीन रंजी भी कहते हैं। इनका जो केंद्रक होता है ना उसमें 2 से 7 तक अपन कह सकते हैं कि पिंड जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। इनका जो कार्य होता है वह क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का होता है। न्यूट्रोफिल्स का जो मुख्य कार्य होता है वह जीवाणुओं को नष्ट करने का मानते हैं। और न्यूट्रोफिल्स की एक विशेषता होती है कि इसमें जो सेल वाल पाई जाती है ना कोशिका भित्ति, यह क्या कर सकते हैं? उसके आर पार जा सकते हैं। न्यूट्रोफिल से सेल वाल या कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं, और आर पार जाने का जो ये गुण होता है वह कोशिका पारण कहलाता है। और मुख्य बात जो अपन कहते हैं कि टोटल जो कुल WBC होती है, कुल WBC का 62% क्या होता है आपके, यही आपका न्यूट्रोफिल्स माना जाता है। टोटल जो आपकी WBC होती है उसका 62% तक क्या होता है, न्यूट्रोफिल से होता है, यानी कि अधिकतम अपन इसे कह सकते हैं। अब देखिए इसके मुख्य मुख्य कैरेक्टर बता देता हूं आपको। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं, ये आपको बता ही दिया। टोटल WBC का 62% तक अपन मान सकते हैं। इसके अलावा अम्लीय या क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होकर बैंगनी रंग देते हैं, ये भी इनकी एक विशेषता होती है कि अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होकर बैंगनी रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं न्यूट्रोफिल्स के जो कण होते हैं वह। अब इन्हें अम्लीय और क्षारीय दोनों से हो रहे हैं तो इन्हें अपन क्या कह सकते हैं? उदासीन रंजक भी कह सकते हैं, उदासीन रंजक भी कहते हैं। क्योंकि अगर ये केवल अम्लीय से होता तो अम्लीय रंजक होते, क्षार से होता तो क्षारीय होते, लेकिन दोनों के साथ अभिरंजित हो रहा है तो इसे उदासीन अभिरंजक के नाम से अपन इसे जानते हैं। इसका जो केंद्रक होता है उसमें 2 से 7 तक पिंड उपस्थित होते हैं। केंद्रक में 2 से 7 तक
पिंड उपस्थित माने जाते हैं। केंद्रक जो होता है वह अपन देख रहे हैं कि कई पिंडों से मिलकर बना होता है, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो से सात तक पिंड हो सकते हैं। इनका जो कार्य होता है वह क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणु को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। कोशिका के आर पार जा सकते हैं, सॉरी कोशिका भित्ति के, कोशिका भित्ति के आर पार जाने के कारण कोशिका पारण कहते हैं, कोशिका पारण कहते हैं, यानी कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं। यह गुण इनमें पाया जाता है, इसलिए इन्हें कोशिका पारण के नाम से अपने जानते हैं। कुल डब्ल्यूबीसी का 62% आपको बता दिया। अब यह बात थी अपने किसकी, न्यूट्रोफिल्स की, यही मुख्य बातें होती है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। कुल डब्ल्यूबीसी का 62%, सूक्ष्मतम कण उपस्थित, अम्लीय क्षारीय अभिरंजकों दोनों से अभिरंजित होकर बैंगनी रंग प्रदान करेंगे, उदासीन रंजक कहेंगे क्योंकि दोनों के साथ में क्रिया कर रहा है, केंद्रक में दो से सात तक पिंड उपस्थित होंगे, इनका मुख्य कार्य जीवाणु को नष्ट करने का होता है, कोशिका भित्ति के आर पार जाने के कारण कोशिका पारण भी इन्हें नाम दिया जाता है। दूसरा अब अपन बात करेंगे इओसिनोफिल्स, जो इओसिनोफिल्स होते हैं उनके बारे में, इओसिनोफिल्स उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपने जो कणिका में श्वेत रुधिराणु है उसका दूसरा टाइप क्या है, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स में इसकी तुलना में जैसे इसमें सूक्ष्मतम कण पाए जा रहे थे, इसमें क्या होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े आकार के कण उपस्थित, बड़े आकार के कण उपस्थित माने जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स में क्या थे, सूक्ष्मतम छोटे आकार के थे, इसका जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें बड़े कण जो होते हैं वो उपस्थित है, होते हैं। ये केवल अम्लीय जो अभिरंजक होता है उसी से अभिरंजित होते हैं, और कौन सा रंग प्रदान करते हैं, गहरा लाल या गुलाबी रंग प्रदान करते हैं अम्लीय अभिरंजक, जैसे अपन कह सकते हैं इओसिन, अम्लीय अभिरंजक जैसे इओसिन, इओसिन अम्लीय अभिरंजक जैसे इओसिन से अभिरंजित होते हैं। और रंग कौन सा प्रदान करेंगे, गहरा लाल या अपन कह सकते हैं गहरा गुलाबी रंग जो होता है वह प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, इओसिनोफिल से करते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वह द्विपिंडीय होता है, केंद्रक जो होता है द्विपिंडीय होता है, केंद्र के दो पिंडों से मिलकर या दो पिंडों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे अपन क्या कह देते हैं, द्विपिंडीय कह सकते हैं। लेकिन इओसिनोफिल्स में ध्यान रखना, कोशिका पारण और कोशिका भक्षण की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, कम होती है। कोशिका पारण मैंने आपको बताया था, कोशिका भित्ति के आर पार जाने का जो गुण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका पारण के नाम से जानते हैं। और दूसरा कोशिका भक्षण यानी कि कोशिकाओं को नष्ट करना, वह गुण इनके अंदर क्या होता है, कम होता है। तो कोशिका पारण और कोशिका पारण व कोशिका भक्षण का गुण क्या होता है, इनमें कम पाया जाता है, यह अपने को ध्यान में रखना है। है डब्ल्यूबीसी लेकिन कोशिका भक्षण का जो गुण होता है कम होता है, न्यूट्रोफिल्स की तुलना में अपन कहेंगे कम पाया जाता है। ये क्या करते हैं, इनका अगर कार्य देखें तो जब परजीवी संक्रमण होता है अपनी बॉडी पर, परजीवी यानी पराया जीव कोई भी संक्रमित करता है बॉडी, या अपन कह सकते हैं कोई भी एलर्जन शरीर में प्रवेश करता है, एलर्जी होती है, उस समय इनकी संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। किनकी संख्या में, इओसिनोफिल्स जो होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। कब होती है, या तो कोई परजीवी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है या कोई भी एलर्जन प्रवेश कर रहा है, उसके संपर्क में आ रही है बॉडी, तो अचानक अपनी बॉडी के अंदर इओसिनोफिल्स की संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक जो गुण होता है वह क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एंटी हिस्टामिनिक गुण
प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से यह एलर्जी कारकों से अपनी क्या करता है, सुरक्षा करने का कार्य करता है। और एक बात ध्यान रखनी है, डब्ल्यूबीसी का यह मात्र कितना होता है, 2.5% ही होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2.5। न्यूट्रोफिल्स आपको बताया था 62% बताया था, यह 2.5% होता है। तो ये इओसिनोफिल्स के क्या थे, मुख्य कैरेक्टर से थे। इसके पश्चात तीसरा जो अपने दे रखा है बेसोफिल्स, तीसरा कौन सा दे रखा है स्टूडेंट, बेसोफिल्स, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थर्ड बेसोफिल्स किसका टाइप है स्टूडेंट्स, ये कणिका में जो डब्ल्यूबीसी है उसके कितने टाइप थे, तीन टाइप थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स देख लिया अपन ने, इओसिनोफिल्स देख लिया, अब अपन किसकी बात करने वाले हैं, बेसोफिल्स की बात करने वाले हैं। तो बेसोफिल्स में ध्यान रखना, जिस प्रकार से न्यूट्रोफिल्स के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण पाए जा रहे थे, इओसिनोफिल्स के कोशिका द्रव्य में बड़े कण पाए जा रहे थे, लेकिन बेसोफिल्स जो होता है उसका जो कोशिका द्रव्य होगा उसमें विभिन्न आकार के कण अपने को मिलेंगे, यानी कि छोटे भी मिलेंगे और बड़े भी मिलेंगे। तो पहला कैरेक्टर तो यही हो जाता है, विभिन्न आकार के कण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है ना उसके अंदर विभिन्न आकार के जो कण होते हैं वह उपस्थित होते हैं। और अपन ने देखा था कि जो न्यूट्रोफिल्स थे वह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजक से अभिरंजित होकर बैंगनी रंग प्रदान कर रहे थे। इओसिनोफिल्स जो होते हैं वह ओनली ऑन अम्लीय अभिरंजक जैसे इओसिन से अभिरंजित होकर गहरा लाल या गुलाबी रंग जो अपन कहते हैं वह प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन जो बेसोफिल्स होते हैं ना यह केवल क्षारीय अभिरंजक फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होकर गहरा नीला रंग देते हैं। किससे अभिरंजित होते हैं, क्षारीय अभिरंजक, क्षारीय अभिरंजक जैसे एग्जाम्पल दे तो मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होकर नीला रंग देते हैं। अभिरंजित होकर कैसा रंग प्रदान करेंगे, नीला रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका केंद्रक भी दो से तीन पिंडों से मिलकर बना होता है। इनका जो केंद्रक होगा वह केंद्रक दो से तीन पिंडों से मिलकर बना होता है। केंद्रक जो होगा दो से तीन पिंडों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें हिस्टामिन व हिपेरिन उत्पन्न होता है। हिस्टामिन व हिपेरिन उत्पन्न करने का कार्य होता है, हिस्टामिन व हिपेरिन उत्पन्न करने का कार्य अपन इसे मानते हैं। हिस्टामिन जो अपन कह सकते हैं किससे रिलेटेड है, एलर्जी से रिलेटेड है, जो एलर्जी कारकों के प्रति अपन कह सकते हैं सुरक्षा कार्य करता है। हिपेरिन जो है वह क्या होता है, एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके क्लोटिंग को रोकने का कार्य करता है, वह क्या होता है, हिपेरिन माना जाता है। इसके पश्चात अपन कहेंगे आगे अगर बात करते हैं तो यह कुल जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका कितना होता है, मात्र 0.5% तक माना जाता है, 0.5% अपन इसे मान सकते हैं। यह कितना था, इओसिनोफिल्स जो था वह 2.5% था, और न्यूट्रोफिल्स अगर याद है तो कितना था स्टूडेंट, 62% तक यह था न्यूट्रोफिल्स, यह 2.5% था और यह था 0.5% तक मानते हैं। यानी कि अपन कहेंगे कि 65% तक क्या आ गया अपने, कणिका में श्वेत रुधिराणु आ जाते हैं। अब बचे हुए किस में आएंगे, अकणिका में के अंतर्गत आते हैं। तो अब दूसरा जो अपने टाइप है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कौन सा, अकणिका में श्वेत रुधिराणु या अग्रेन्युलोसाइट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो अकणिका में। अकणिका में का मतलब क्या होगा, यहां पर यह कोई किसी प्रकार के कण वगैरह क्या होते हैं उपस्थित है नहीं होते हैं, इसलिए इसे अकणिकामय के नाम से जानते हैं। इसे एक केंद्र के श्वेताणु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक केंद्र के श्वेताणु। श्वेताणु का मतलब क्या हो गया, श्वेत रुधिर कणिका, यानी कि WBC की बात है चल रही। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो कणिकाएं होंगे वह क्या होंगे, अनुपस्थित है, इसीलिए इसे अकणिकामय कह रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो होती है वह कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में जो कणिकाएं होगी वह अनुपस्थित होती है। इनका जो केंद्रक होता है ना वह अंडाकार होता है, इनका केंद्रक अंडाकार, केंद्रक अंडाकार, सेम आकृति का, सेम के बीज की जो आकृति होती है आकृति का माना जाता है। एक केंद्र के श्वेताणु कहते हैं, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित होगी, केंद्रक अंडाकार होगा, सेम आकृति का माना जाता है, सेम के बीज की आकृति का कह सकते हैं। और यह जो आपके अकणिका में या अग्रेन्युलोसाइट से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेरे ख्याल से आपको नाम भी पता होंगे। फर्स्ट तो कौन सा होता है, मोनोसाइट्स होता है, जिसे एक केंद्रकाणु भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपके लसीकाणु, यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। फर्स्ट होता है मोनोसाइट्स, जिसे एक केंद्रकाणु भी कहते हैं, एक केंद्रकाणु भी कहते हैं, और दूसरा है आपके लिम्फोसाइट्स। दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट्स। यह दो, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स माने जाते हैं। लिम्फोसाइट्स का अगर नाम देखा जाए तो इसे अपन क्या कहते हैं, लसीकाणु का नाम भी इसे दिया जाता है। लिम्फोसाइट्स को क्या कहते हैं, लसीकाणु भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे, मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या है, एक प्रकार की WBC है, और WBC भी कौन सी है, अग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि अकणिकामय प्रकार की जो WBC है वह क्या है, मोनोसाइट्स होती है। इसके अंदर अपन कहेंगे कि इसकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, बड़े आकार की मानी जाती है। इसकी सेल्स जो होती है वह सेल्स बड़े आकार की होती है। अगर उनका माप देखा जाए तो 12 से 15 मिली माइक्रोम तक अपन कहते हैं इनका आकार जो होता है वह पाया जाता है। सेम आकृति का अपन कहेंगे कि इनके अंदर केंद्रक पाया जाएगा, सेम बीज आकृति का केंद्रक, सेम बीज आकृति का केंद्रक जो होगा वह क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित माना जाता है। क्योंकि अभी अपन ने इसमें भी लिखा था कि सेम बीज आकृति का केंद्रक पाया जाएगा, तो उसी का टाइप है, इसलिए इसमें भी केंद्रक अपने कैसा देखने को मिलेगा, सेम के बीज की आकृति का देखने को मिलेगा, और यानी कि बड़ा केंद्रक अपन कहेंगे कि यहाँ पर उपस्थित है होता है। भक्षणकारी होते हैं, यह जो होती है भक्षणकारी, भक्षणकारी यानी कि कोई भी जो परजीव वगैरह प्रवेश करते हैं तो उनका क्या करती है, भक्षण करने का कार्य करती है। तो इनका गुण होता है भक्षणकारी, भक्षणकारी, भक्षण करने का कार्य करती है, यानी कि कोई भी डेथ सेल वगैरह जो होती है उनको क्या करती है, यह निगलने का कार्य करती है, उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। तो यह उनका मुख्य गुण कह सकते हैं। यह क्या करती है, मुख्य रूप से रुधिर में रहती है, लेकिन यह रुधिर से उत्तकों में जब प्रवेश कर जाती है तो इसका आकार क्या हो जाता है, और भी बड़ा हो जाता है। रुधिर से उत्तकों में आकर आकार में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। आकार में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और आकार यहां से ले कितना हो जाता है, ये 80 तक पहुंचे जाता है। इसलिए आकार में बढ़ोतरी होने के कारण अपन इसे क्या कहते हैं, वृहित भक्षकाणु। आकार में बढ़ोतरी होने के पश्चात इन्हें क्या कहते हैं, वृहित भक्षकाणु या मैक्रोफेजेज के नाम से अपन इसे जानते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वृहित भक्षकाणु या मैक्रोफेजेज के नाम से अपन इसे जानते हैं।
ये जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं शरीर में मिलकर क्या करते हैं, बक्षकाणु एक तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन? एक तो मैक्रोफेजेस और साथ में अपन कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस प्लस न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बक्षकाणु तंत्र का निर्माण करेंगे। बॉडी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो एक बक्षकाणु तंत्र का निर्माण करेंगे, यानी कि एक प्रकार से अपना प्रतिरक्षा तंत्र हो सकता है। तो यह क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करेगा। डेड सेल वगैरह उनका क्या करेगा, भक्षण करेगा, या कोई भी हानिकारक अगर एंटीजन प्रवेश करता है तो उसको भक्षण करेगा। तो यह तंत्र का निर्माण कौन करते हैं? मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल्स से करते हैं। अब बात आती है मैक्रोफेजेज आया कहाँ से, तो देखिए मोनोसाइट्स में अपन ने देखा है, मोनोसाइट्स का सामान्य आकार यह होता है जब तक वह ब्लड में रहती है, लेकिन ब्लड से जब वह किस में आ रही है, उत्तकों में आ जाती है, तो आकार में बढ़ोतरी हो जाती है और बढ़ोतरी होने पर उसकी आकृति यह हो जाती है आकार। इस कारण इसे वृत्त बक्षकाणु या मैक्रोफेजेज कह रहे हैं। और मैक्रोफेजेज यानी बड़े आकार की मोनोसाइट्स है एक प्रकार की, तो मैक्रोफेजेज न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर एक बक्षकाणु तंत्र का निर्माण करती है। बक्षकाणु तंत्र बनाते हैं जो क्या करते हैं, शरीर में सुरक्षा के प्रति या संक्रमण के विरुद्ध, अपन कह सकते हैं कोई भी संक्रमण होता है तो उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में ये क्या कार्य करते हैं, कौन करते हैं? मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स बक्षकाणु तंत्र का कार्य करेंगे, जो संक्रमण के प्रति क्या करते हैं, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये कुल WBC का अगर देखा जाए तो कितने होते हैं, 5% तक है होते हैं। कुल WBC जो होती है उसका 5% तक अगर देखें तो अपन क्या कह सकते हैं, मोनोसाइट से होते हैं। अब ये मोनोसाइट्स हो गया, सेकंड अपने क्या दे रखा है, लिम्फोसाइट्स, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। सेकंड देखिए अपना लिम्फोसाइट्स, या इसे क्या कहते हैं अपन, लसीकाणु, लिम्फोसाइट्स या लसीकाणु, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या होते हैं लसीकाणु या लिम्फोसाइट्स? तो इनमें कहेंगे कि इनका जो केंद्रक होता है वह कैसा होता है, अंडाकार होता है। केंद्रक कैसा होता है, अंडाकार, केंद्रक अंडाकार, और सेल्स जो होती है वह कैसी होगी, गोलाकार होती है। केंद्रक तो अंडाकार होगा और जो इनकी कोशिकाएं जो होती है, सेल्स जो होती है वह कैसी होती है, गोलाकार अपने को देखने को मिलती है। ये कभी भी भक्षण का कार्य नहीं करती है, इसलिए कह सकते हैं भक्षण कार्य नहीं होती है, भक्षण कार्य नहीं होती है, भक्षणकारी नहीं होती है। जीवन काल अगर देखा जाए, जीवन काल 2 से 100 दिन तक कह सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी मिनिमम WBC का टाइप है तो 2 से 4 दिन देखा था, लेकिन इनका मिनिमम 2 से 100 दिन तक हो सकता है या इससे भी ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि इनका जो जीवन काल होता है वह पाया जाता है। यह रुधिर और लसिका उत्कों में क्या होती है, उपस्थित होती है। रुधिर व लसिका उत्कों में उपस्थित होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लिम्फोसाइट या लसिकाणु की उपस्थिति कहाँ होती है, तो रुधिर में होती है और लसिका उत्कों में होती है। कुल WBC का कितना होता है, कुल WBC का देखा जाए तो 30, क्योंकि अपन ने देखा था 65% तक तो कणिका में आ गए थे, फिर 5% मोनोसाइट्स आ गए थे, तो बच्चा हुआ जो 30% होता है वह यही होता है। कुल WBC का 30% भाग क्या होते हैं, लिम्फोसाइट से होते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, यह कुल WBC का 30% है, इसके अंदर भी अपन कहेंगे कि जो लसीकाणु होते हैं वह छोटे और बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। छोटे लसीकाणु जो होते हैं, एक तो होते हैं छोटे लसीकाणु,
एक है बड़ी लस्सी काणू, बड़ी लस्सी काणू, यानी अलग अलग पाए जाएंगे सेल्स के आकार के आधार पर। अपन कहेंगे छोटे लस्सी काणू का जो अमाप होता है वह 6 से 8 मिली माइक्रोन और इसका लगभग 20 मिली माइक्रोन तक माना जाता है। छोटे लस्सी काणु जो होते हैं वह टी सेल्स का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना टी सेल्स निर्मित करेंगे, और जो बड़ी लस्सी काणु होते हैं वह बी सेल्स क्या करती है, निर्मित करती है। इसीलिए अपन बोलते हैं ना टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, तो उनका निर्माण जो छोटी लस्सी काणु होती है लिम्फोसाइट्स वह तो टी सेल्स का निर्माण करेगी, और बड़ी लस्सी काणु जो होगी वह बी सेल्स का निर्माण करती है, जिसे अपन टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब यह टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या कार्य करेगी, इनका कार्य माना जाता है प्रतिरक्षा का, यानी कि सुरक्षा के रूप में कार्य कर देगी, प्रतिरक्षा के रूप में अटैक करने का, लड़ने का, जीवाणुओं से लड़ने का जो कार्य होता है वह इन्हीं का माना जाता है, प्रतिरक्षा के रूप में ये क्या करती है, कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स ये अपने WBC जो है वह यहाँ पर कंप्लीट होती है। WBC के मैंने आपको बता दिए, 2 टाइप्स बताए थे, फिर उनके प्रकार अपन ने देख लिए। आशा करता हूँ अच्छी प्रकार से वीडियो समझ में आया होगा, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे का जो पार्ट है प्लेटलेट्स उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।